हेलो स्टूडेंट्स, चलो चैप्टर में आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.6। बच्चों एक चीज़ याद रखना, ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉ है, नियम है उसके, वो आपको समझ लेना एक बार, ठीक है। आपने स्टैंडर्ड 8 के अंदर चैप्टर नंबर 12 में भी पावर एंड एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में आपने ये सब कुछ सीखा हुआ है, फिर भी एक बार रिपीट करना ज़रूरी है। चलो, तो बेसिक रूल्स है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। जब भी रियल नंबर्स के लिए एक्सपोनेंट्स के नियम हम अप्लाई करेंगे तब आपको ये सभी याद रहने चाहिए। टोटल सिर्फ 7 है लो, इतने याद रहेंगे तो बहुत है। चलो, फर्स्ट ए याद रखना, ए कोई दूसरा कोई नंबर नहीं है, ए हमारा कोई रियल नंबर ही है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ए हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, व्होल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। खास से आपको पावर देखना है, ए की एम पावर मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो डॉट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसे आप मल्टीप्लाई ही समझोगे। एम रेज टू एम मल्टीप्लाई ए रेज टू एन, पावर अलग अलग है लेकिन बेस नीचे वाले, ठीक है। देखो बेस दोनों में सेम, पावर डिफरेंट है, बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो आपको याद रखना है, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो नंबर्स, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो बेस एक कॉमन बन जाएगा एंड पावर जो है उसका एडिशन होगा, यानी कि बेस ए थे, पावर एम एंड एन थी, बीच में मल्टीप्लिकेशन था, तो आंसर मिलेगा ए की एम प्लस एन पावर, ठीक है। अब जब ए की एम पावर हो एंड उसकी पूरे की एन पावर हो, यानी कि पावर की भी पावर हो आपके पास, ठीक है, रेज ऑफ रेज, ये एक रेज था, उसका भी एक रेज हमारे पास है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों रेज जो है, दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ए इन द पावर एम मल्टीप्लाई एन, ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रहा है। अगर बेस सेम हो और डिवीजन हो रहा हो, पहले एडिशन सॉरी मल्टीप्लीकेशन हो रहा था यहाँ पे, अब यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में ऐड की थी पावर को तो डिवीजन में माइनस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पावर एन, ए रेज एम अपॉन ए रेज एन इज इक्वल टू ए रेज एम माइनस एन, ठीक है, सिंपल है। चलो, अब ए हमारी कोई नंबर है, उसकी पावर एम है, बी हमारा कोई दूसरा नंबर है और उसकी भी पावर एम है, यानी कि पावर सेम है, बेस अलग अलग है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, देखो यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो आपको पावर को कॉमन निकाल लेना है, देखो पावर कॉमन कर ली, अब बाकी दोनों नंबर को ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई कर देना है, ए मल्टीप्लाई बी ए बी, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपके पास यहाँ पे कोई नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे 5 रेज टू 7 रेज टू, तो आपको क्या करना है, तो 2 पर कॉमन आ जाएगा एंड 5 मल्टीप्लाई 7 तो 35 होगा, यानी कि 35 की पावर 2, इस तरह से आपको सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा इसका, ठीक है। आगे है ए की पावर 0, अब ए की बदले कोई भी नंबर हो सकता है, याद रखो किसी की भी 0 पावर होना यानी कि आंसर मिलता है 1, किसी की भी पावर 0 भले हो, आपको 0 नहीं लिख देना है, उसका आंसर मिलेगा आपको 1, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। दिखने में बहुत इजी होती है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में आंसर गलत लिख दे। अब चलो अंडर रूट की बात करें, तो अंडर रूट में यहाँ पे जो नंबर है वो आपको इंडिकेट करता है अपोनेंट पावर, ठीक है, अपोनेंट पावर या अपोजिट पावर, ये इंडिकेट करेगा आपको। तो यहाँ पे याद रखो एन है, यानी कि एन टाइम्स रूट हो रहा है, ठीक है, तो ए की एन पावर एन रूट पावर, तो यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा, तो ए की 1/n, यहाँ पे जो नंबर है वो नीचे चला जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ऐसे नंबर को हो आपके पास कोई भी, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो आपको स्क्वायर तो याद रखना ही है, कुछ नहीं तो स्क्वायर तो होगा, 2 तो होगा ही, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 की 1/2 पावर, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली कोई नंबर दिया गया है, यानी कि एक क्यूब रूट हो रहा है, ठीक है, 3 टाइम रूट हो रहा है तो क्यूब रूट,
तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या लिखना है, 3 की 1/3, ये आपको याद रखना है। अब अगर n टाइम रूट हो रहा है, ठीक है, और जो नंबर है उसकी भी पावर m है, तो ये m पावर क्या हो जाएगी, नंबर के बाहर चली जाएगी, ऐसे अंडर रूट n टाइम्स पावर, बेस हमारा था a और उसकी पूरे की पावर क्या हो गई, m। अब देखो यहाँ पे n है जो अंडर रूट करवा रहा है, एंड यहाँ पे पावर में है m, तो ये वाली पावर तो हम ऊपर ही लिखते, लेकिन ये वाली 1/ के फॉर्म में लिखते, देखो है 1/ के फॉर्म में, तो यहाँ पे जो n है वो नीचे जाएगा, यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से होगा, m मल्टीप्लाई पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, ये पावर है उसकी भी पावर है, तो देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/n, m वन ज़ा m, एंड नीचे जो था बे डिनोमिनेटर में वो एज इट इज़, यानी कि a की पावर m बाई n, ठीक है। बस ये 7 बेसिक लॉ है जो आपको याद रखने हैं। अब चलो उसके ऊपर से हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड, हमें फाइंड करना है 64 की 1/2 पावर। अब एक चीज़ याद रखो, 64 की 1/2 पावर फाइंड करने से ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या है, 64 की पावर में डिनोमिनेटर में देखो 2 है, तो आपको यहाँ पे भी ऊपर 2 मिल जाए तो ये 2 कट होके 1 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 2 लाना है, वो 2 कैसे ला पाओगे, तो ये जो नंबर है उसकी कोई पावर मिले, और पूरे की पावर तो 1/2 है ही, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, 64 2 पावर हो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पावर 2 मिले ऐसे फॉर्म में, तो सिंपल है सर, देखो इस तरह से 64 है 8 64, यानी कि 2 टाइम अगर 8 लोगे 8² = 64 होगा, तो देखो 64 का हमें स्क्वायर वाला फॉर्म मिल गया, तो इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 64 की जगह आप ये वाला फॉर्म लिख दो, ठीक है, नंबर तो दोनों सेम ही हो गए, आंसर दोनों को सेम ही मिलने वाला है, सिर्फ क्या है फॉर्म चेंज कर दिया, उसका एक प्रकार चेंज कर दिया, तो 8 का स्क्वायर और पूरे की पावर कितनी थी, 1/2, अब देखो पावर की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1/2, ऊपर नीचे 2 कट, तो क्या बचा सिर्फ 1, यानी कि आंसर सिर्फ 1, किसी की भी एक पावर होना यानी कि वो नंबर खुद, ठीक है, एक पावर हम लिख के नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट वो आंसर लिख देंगे, देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से आगे चलते हैं, 32 की 5 पावर चाहिए, अब 32 की 5 टाइम पावर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं सर, सम सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, चलो तो आपको क्या करना है, 32 को फैक्टोराइज कर देना है, चलो 2 से करते हैं तो 16, अभी 2 से 8, 2 से और डिवाइड करो 4, अभी भी 2 से डिवाइड करो 2, अगेन 2 से डिवाइड करो 1, देखो 32 को अगर आप 2 के फॉर्म में लिखना चाहो तो 2 कितनी टाइम आएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 5 टाइम है, तो 2 की पावर 5 हुई, इज इक्वल टू आंसर क्या मिलेगा, 32, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे 5 थी, हमें 5 पावर हो ऐसा फॉर्म मिल गया 32 का, तो चलो लिख दो 2 की 5 पावर एंड वॉल 1/5 पावर, अब पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1/5, चलो ये दोनों कट, आंसर सिर्फ क्या बचा, 2। चलो सिंपल है क्वेश्चन, कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर, आप ये खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ये वाला सम आप खुद सॉल्व करना, वीडियो को पॉज कर दो, फिर खुद कैलकुलेट कर लो, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आप मेरे साथ आंसर मैच कर लो, ठीक है। चलो 125 की 1/3 पावर है, अब 125 को फैक्टराइज कर देते हैं, तो 5 से डिवाइड हो गया ये नंबर, तो यानी कि 25 5 ज़ा 125 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5, चलो तो 25 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 की कितनी पावर, 1 2 3 3 पावर, 3 यहाँ पे नीचे भी 3 मिल गया, चलो सिंपल हो गया हमारे लिए ये, तो 5 की 3 पावर एंड वॉल पावर कितनी है, 1/3,
तो 5 की 3 × 1/3 पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, कर दिया कट आउट कर दिया, बचा सिर्फ 1, तो 5 की 1 पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, 5। ये आपका आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।